दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जो है कोई फाइल या फोल्डर इस तरीके से क्रिएट किए हैं जिसे आप जो है चाहते हैं कि आप किसी दूसरों के साथ इसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप इसे जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि आप ना इस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिसमें कि आप ना कोई इसे एडिट कर सके, ना ही इसे कोई ओपन कर पाए और ना इसे कोई कॉपी पेस्ट या कोई इसका लोकेशन को रिमूव कर सके, इवन इसको मेल भी ना कर सके जिसे कोई इसका मिसयूज़ भी कर पाए। तो दोस्तों वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से। दोस्तों मेरा नाम है अमित, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों इसमें अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के लिए चलिए दोस्तों वीडियो डिटेल में शुरू करते हैं। उसके लिए उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने माउस को उस फाइल या फोल्डर के पास ले जाना है। पहले मैं दिखा देता हूँ कि इस फाइल में फोल्डर में है क्या। ये देखिए इसमें कुछ जो होता है वीडियोज़ हैं, इसको जो होता है मुझे अगर प्रोटेक्ट करना है तो मैं इसको जो होता है यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़। और उसके बाद इस फोल्डर के पास मैं माउस को ले जाता हूँ, वहाँ माउस से आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद सीधे आपको जो है प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन को ओपन करते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और वहाँ से आपको जाना है सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी से आपको एकदम टू चेंज परमिशन क्लिक एडिट के ऑप्शन में जाना है, जहाँ पे एडिट ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटर अजीत, जो मतलब जिस नाम से आपका कंप्यूटर होगा दोस्तों, उसको जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कर लेने के बाद यहाँ पे आपको डिनाई ऑप्शन पे जा कर के यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो भी डिनाई का जो आपका ये जो फुल कंट्रोल है वो अब डिनाई हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देने के बाद यहाँ से आप पूछ रहा है कि आप ये जो सेटिंग कर रहे हैं क्या आप वाकई में इसे करना चाहते हैं, तो आप इसे यस कर दें। तो हम इसको जो है यस कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से फिर ओके कर देना है और फिर से यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो अभी आप देखेंगे जो भी फोल्डर आपने प्रोटेक्ट की है अब वो जो होता है ओपन नहीं हो पाएगी। यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। तो यहाँ पे अब इस फोल्डर को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसे कंटिन्यू भी करते हैं तब भी आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। और आप इसे अगर जो है डिलीट भी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इस मैंने फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो भी आप देखिए यहाँ पे कह रहा है यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, मतलब आप इसे यहाँ से डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हो भी नहीं पा रहा है। और अगर हम चाहते दोस्तों इसको जो होता है कॉपी करके कहीं पेस्ट करना, मान लीजिए कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं जाता हूँ दिस पीसी में और मान लीजिए मुझे डाउनलोड में यहाँ जा करके इसको पेस्ट करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा फाइलें हैं, मैं इसको यहाँ नहीं करता हूँ, जहाँ पे कम फाइल होगी वहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मुझे पेस्ट करना है, मैं करता हूँ कंट्रोल वी, तो यहाँ भी आप देखिए यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, मतलब अभी भी आप इसे जो होता है एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एक्सेस डिनाइड हो रही है। आप इसे ना ही डिलीट कर पा रहे हैं ना ही इसके लोकेशन को रिमूव कर पा रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप जो होता है किसी भी फाइल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस फाइल को प्रोटेक्ट करना है वहाँ पे माउस ले जाना है, उसके बाद माउस से आपको राइट क्लिक करना है और फिर वहीं प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलता है, सिक्योरिटी ऑप्शन में चले जाना है और जिस नाम से आपका कंप्यूटर है उस नाम से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। पहले यहाँ सेलेक्ट नहीं करना है फिलहाल, अभी यहाँ टू चेंज परमिशन पे जाना है, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जिस नाम से आपका कंप्यूटर है उसको सेलेक्ट करना है। कर लेने के बाद फिर आपको डिनाई ऑप्शन में जा करके क्लिक कर देना है। तो आप यहां से आपका काम हो चुका है, आप यहां से कर दीजिए अप्लाई। जो भी ये जो डिनाई करने के लिए मैंने यहां पे कहा है दोस्तों कि मतलब ये जो फुल कंट्रोल है वो अब पूरा जो है डिनाई हो चुका है, मतलब ये कि अब आप ना इसमें मॉडिफाई कर पाएंगे, ना इसे रीड कर सकते हैं, ना इसमें कोई मॉडिफिकेशन या राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप वाकई में से करना चाहते हैं तो आप इसे कर देंगे यस, उसके बाद फिर करेंगे यहाँ से ओके और फिर दोबारा ओके कर देंगे, तो आपका फाइल भी दोस्तों प्रोटेक्ट हो चुका है और आप इसे ओपन करने की कोशिश भी करेंगे तो देखिए अभी क्या बताता है यहाँ पे। तो ये देखिए एक्सेल कैन नॉट ओपन द फाइल न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिकॉज द फाइल फॉर्मेट और फाइल एक्सटेंशन इज नॉट वैलिड, मतलब आप इसे ओपन भी नहीं कर पाएंगे। देखिए
ये एक्चुअल में यहाँ पे इसका दूसरा, ये दो फाइलें खुलती हैं इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। जो इसके मेन अंदर का जो फाइल है वो यहाँ नहीं खुलेगी, क्योंकि ये यहाँ पे मेरे एक्सेल में अभी ये दो पेज एक साथ खुलता है, इसलिए ये जो था पर्सनल पेज को खोल रहा है, पर इसका जो मेन पेज है वो यहाँ नहीं खुल रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो कि यहाँ पे फाइल नेम देखिए यहाँ पे कुछ दूसरा है, और जो जो कि जो फाइल हम खोलना चाह रहे हैं वो फाइल नहीं खुल रही है। तो इस तरीके से इस फाइल को आप जो होता है, अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसे डिलीट भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल डी ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए फाइल एक्सेस डिनाइड, यहाँ पे जो होता है फाइल को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसके अगर कंटिन्यू भी करते हैं दोस्तों, तब भी ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसे चाहते हैं कि जो होता है इसको कॉपी करके किसी दूसरे लोकेशन में इस फाइल को ले जाना भी, तो आप यहाँ चेक देख लेंगे कि जैसे ही मैं मान लीजिए इस म्यूज़िक फोल्डर में इसे रखना चाहता हूँ, कंट्रोल भी करते हैं, तो हम इसे भी पेस्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम इसको जो होता है दोस्तों चाहे मेल करना, या आप यहाँ पे देख लीजिए इस फोल्डर का नाम है न्यू माइक्रोसॉफ्ट, जो कि डेस्कटॉप पे है। मैं इसको जो होता है मेल यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम मेल अपना ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे मेल भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसके लिए मैं अपने यहाँ से मेल ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने मेल ओपन कर लिया है। अगर हम उस फोल्डर को फाइल को यहाँ पे अगर हम मेल करना चाहते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अटैचमेंट के लिए मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ कि अटैचमेंट आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट फाइल करके एक एक्सेल फाइल है, मैं उसको जिसको मैंने प्रोटेक्ट किया, देखिए क्या वो यहाँ पे आती है कि नहीं आती है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को यू डोंट हैव ए परमिशन टू ओपन दिस फाइल, मतलब हम इसे यहाँ से मेल भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम जो होता है अपने फाइल या अपने फोल्डर को जो होता है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इसे जो होता है हटाना भी चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे आपको फिर माउस को वहाँ पे जिस फाइल या फोल्डर से प्रोटेक्शन हटानी है उस पर लेके जाना है, वहाँ से माउस से राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाना है, फिर से वहीं सिक्योरिटी ऑप्शन, और यहाँ से एडिट ऑप्शन में जाना है। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर नेम उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट कर लेने के बाद जो भी आपने यहाँ से डिनाई किया था उस पे से आपको अनटिक कर देना है। ये सारे एक एक करके आपको अनटिक कर देना है। अनटिक कर देने के बाद यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है, ओके करना है और फिर से ओके कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी फोल्डर था जो प्रोटेक्टेड था वो अब अनप्रोटेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फाइल या फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे आप जो होता है कि मिसयूज से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ इसे जो होता है लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।